अगर आप अपनी वाइफ को अपने कुकल्टिंग फैंटेसी के बारे में बताना चाहते हैं, आपने ठान लिया कि यार मुझसे नहीं रहा जाता, मैं तो अब बताऊंगा ही अपनी वाइफ को कि मेरी ये फैंटेसी है, मेरी ये चाहत है, जो कि अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है, तो सबसे पहले आपको अपने बारे में ही कंफर्म कर लेना जरूरी है कि आप खुद में कौन से वाले कपल हो, तरह की सोच रखते हो, आप कहीं अपने आप को ही लेके, अपनी फैंटेसी को लेके असमंजस में तो नहीं हो? क्योंकि अगर आप खुद को लेके कंफ्यूज हो, अपनी फैंटेसी को लेके कंफ्यूज हो, तो अपनी वाइफ को एक्सप्लेन कैसे करोगे कि आप चाहते क्या हो उससे? तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप कपल्ड हो तो किस कैटेगरी में आते हो। तो आज मैं आपको कपल्ड की कुछ वैरायटी के बारे में बताने वाली हूँ, 10 तरह के कपल्ड के बारे में बताने वाली हूँ। चूज कर लीजिए अपनी कैटेगरी कि आप कौन से वाले हैं। तो नंबर वन, लेकिन सबसे पहले, ये जो चैनल है ये लाइफस्टाइल कपल के लिए है। इसमें कुछ अलग हटके कंटेंट डलते हैं जो कि ट्रेडिशनल, जो लोग ट्रेडिशनल माइंडसेट रखते हैं उनके मतलब की चीज नहीं है। तो अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो अभी के अभी इस वीडियो को स्किप कर सकता है। और इस चैनल पे कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं उन टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो ऑलरेडी रिया मल्होत्रा चैनल पे मैं डिस्कस करती हूँ। तो जो टॉपिक आप इस चैनल पे खंगोल रहे हो वो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको रिया मल्होत्रा वाला चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वहां पे आपको वो टॉपिक भरे पड़े हैं, 500 से ऊपर वीडियो बन चुकी है उन टॉपिक पे। तो अब यहां से वीडियो की शुरुआत होने वाली है। नंबर वन इज इंट्रोवर्ट कपल। इंट्रोवर्ट कपल का मतलब होता है कि वो कपल जो अपने अंदर ही अंदर सपनों को सजोता है, अपनी फैंटेसी को अंदर ही रखता है, कभी भी अपनी वाइफ के सामने आउटस्पोकन होके नहीं बोल पाता। वो अंदर ही कसमसाता सा रहता है कि यार ऐसे हो वैसे हो, ड्रीम में ज्यादा रहता है, सपनों का राजकुमार। कि अगर उसे थ्रीसम भी करना है तो सपनों में करेगा। उसे अगर बीबीसी की फैंटेसी है किसी काले मुस्टंडे को वो देखना चाहता है अपनी वाइफ को साथ, तो सपनों में देखेगा। सपनों में तो वो बच्चा भी पैदा करवा देता है, अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट भी करवा देता है। हर तरह की उसकी फैंटेसी, चाहते वो अपने ड्रीम्स में ही पूरी करता है। कभी भी अपनी वाइफ को खुल के बोल नहीं पाता कि मैं इस तरह की मेरी फैंटेसी है, मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना चाहता हूँ। सेकेंड इज सबमिसिव कपल। ये वो कपल हस्बैंड होते हैं जो खुशी खुशी लाइफस्टाइल में एंटर करते हैं। इन्हें गुलामों वाली जिंदगी कुछ ज्यादा ही पसंद होती है। हॉट वाइफ और बुल का कुत्ता बन के रहते हैं, पमेरियन कुत्ता टॉमी टाइप, बंद कर रहना इन्हें पसंद होता है। इन्हें अच्छा लगता है कि इनकी जो वाइफ है इन्हें कमांड करे, वो बुल जो है उसे रूल करे। इन्हें बेइज्जत होना पसंद होता है, इन्हें ह्यूमिलेट होना पसंद होता है, यही इनकी फैंटेसी होती है, इन्हें इसी में ही प्लेजर महसूस होता है, ये चीजें उनको सेक्सुअली अराउज करती है। नाउ थर्ड इज ऑब्वियस कपल्ड। कुछ कपल्ड ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो कपल्ड है, उनके अंदर ये फैंटेसी है और ना ही वो जानने की चाहत रखते। अजीब सा लग रहा है ना सुन के, लेकिन ऐसा है। उनकी वाइफ ना नंबर ऑफ टाइम चीट कर रही होती है लेकिन फिर भी वो आंखों पर पट्टी बांध के बैठे रहते हैं या अवॉइड करते हैं चीजों को। वो मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं उनकी जो वाइफ है चीटिंग वाइफ है। ये अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। तीन कैटेगरी पाई जाती है इस ऑब्वियस कपल्ड में, जो कि मैं फिर कभी किसी दिन बताऊंगी। अगर मैं इसे ही अभी एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो यही टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न कपल्ड, आधुनिक विचारों वाला कपल्ड। ये वो काम करता है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। एक ट्रेडिशनल माइंडसेट वाला मेल तो सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। अपने बेडरूम में अपनी हॉट वाइफ और बुल के बीच में किए जाने वाले सारे सेक्सुअल एक्ट में शामिल होता है, कभी कभी उन्हें ज्वाइन भी करता है। उसकी जो वाइफ है वो जिस भी चीज की डिमांड करे, उसकी जो भी फैंटेसी है कि मुझे बड़ा सामान चाहिए, साइज बड़ा चाहिए, मुझे ग्रुप सेक्स करना है या मुझे थ्रीसम करना है, सब चीजों को खुशी खुशी, उसकी सारी चाहतों को खुशी खुशी पूरा करता है। अब ऐसे में अगर उससे कोई पूछे यार तुमको जेलस नहीं होती, तो यही बोलता है जेलस वो क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज डोमिनेंट कपल्ड। ये वो कपल्ड हस्बैंड होते हैं क्योंकि जो लाइफस्टाइल में घुसते जरूर हैं कि उन्हें इस कपल्डिंग लाइफस्टाइल को जीना है, लेकिन वो हॉट वाइफ और बुल दोनों पर ही अपनी कमांड पूरी बनाए रखते हैं, उनको रूल करते हैं, खुद रूल नहीं होते। बुल को ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं कि ऐसे करना और ऐसे नहीं चलेगा, नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं चलेगी, इस तरह की चीजें इनके साथ होती हैं। और ये इसीलिए हो पाती है क्योंकि ये खुद भी एक अल्फा मेल ही होते हैं। ये कपल्ड हस्बैंड जरूर है लेकिन अल्फा मेल ही होते हैं। साइज में अपनी वाइफ को सेक्स और प्लेजर देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बस कपल्डिंग लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए इस लाइफस्टाइल में घुसते हैं, अपनी सेक्सुअल लाइफ में तड़का लगाने के लिए। बाकी इनमें साइज को लेके या अपनी वाइफ को सेक्सुअल प्लेजर देने में कोई कमी नहीं होती,
तो जब वो डाउन है ही नहीं तो गुल को क्यों ऊपर चढ़ने देगा। लाइव शो वाला कपल, मतलब ये वो कपल हस्बैंड होते हैं जो हर चीज को लाइव आंखों के सामने देखना पसंद करते हैं। कि जो नीली फिल्मों में एक्ट होता है उसे भी वो अपनी वाइफ सामने करे किसी के साथ, वो चीजें देखकर ज्यादा अराउजल फील करते हैं। ह्यूमिलेशन लवर, कुछ कपल हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ह्यूमिलेशन की फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, एक स्ट्रांग इमोशन होता है उनका, और कोई स्ट्रांग इमोशन ऑटोमेटिकली उसकी सेक्सुअल फीलिंग को बढ़ाता है। छोटे साइज को देख के मन ही मन गिल्ट फील करना, खुद को गालियां देना, अपनी वाइफ को किसी और के साथ अल्फा मेल के साथ हम बिस्तर होते देखकर, और ये देखकर कि यार वो उसका साइज इतना बड़ा है मेरी वाइफ को संतुष्ट कर रहा है, ये चीज उसको ह्यूमिलेट करती है। और जब इसका इमोशन है जो कि सबसे स्ट्रांग इमोशन है ह्यूमिलेशन का, जब ये अंदर ही अंदर जागता है तो ये उसकी सेक्सुअल फीलिंग को बढ़ाता है और वो सेक्सुअल अराउजल फील करता है। इनके खुद को ह्यूमिलेट होने की और खुद में बेइज्जत होने की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो चार लोगों में जाके बेइज्जत करो, चाहे तो पब्लिक प्लेस में ले जाके जूते चप्पल मारो, टॉर्चर करो, इन्हें अच्छा ही लगेगा, इन्हें बुरा नहीं लगेगा, इनके लिए तो वो वरदान है, गिफ्ट है, उपहार है जो आप उसे दे रहे हो। सेल्फलेस कपल, ये वो कपल हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ को हर सूरत में खुश देखना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि वो खुद में असमर्थ हैं उसको वो प्लेजर देने के लिए जिसकी वो हकदार है, और वो नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई भी वजह शामिल हो सकती है, वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, शारीरिक कमियां होती है जिसकी वजह से वो इनकैपेबल हैं अपनी वाइफ को वो खुशी नहीं दे पाते, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाए। इमोशनल अटैचमेंट कह लो या कुछ भी कह लो कि उसकी उसे अपनी वाइफ के साथ है, या बेइज्जती का डर है कि कोई उन्हें बेइज्जत ना करे, क्या क्यों छोड़ दिया, समाज में बातें तो बैठती ही है ना, क्या क्यों छोड़ दिया। बाइसेक्सुअल कपल, देखो ये वही कपल होते हैं जो अपनी वाइफ को बुल के सामने चारा बनाकर फेंकते हैं और बदले में उस बुल का मैनहुड, उसकी मर्दानगी को भोगते हैं। हो सकता है पब्लिक प्लेस में आपको इनका कुछ अलग ही रूप देखने को मिले, चौड़ा सीना, ऊंची गर्दन, चार लोगों को ऑर्डर देते हुए शान से खड़े हुए हैं, किसी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, किसी बड़े ऊंची पोस्ट पे सरकारी ओहदे पे हो सकते हैं, लेकिन जब ये अपने बेडरूम में एंटर करते हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है, इनके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। ऊंची गर्दन वाला चार लोगों के सामने सीना चौड़ा करके तन के खड़े होने वाला जब बुल को देखता है तो घुटनों पे आ जाता है और उसके सामान को बड़े चाव से मुंह में लेके चूसना शुरू कर देता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसके सामान में से निकला सामान अंदर ही निकल जाता है और ये चीज उसको चरम सुख प्लेजर देती है। और ये मैं आपको फैक नहीं रही हूं, मैं रियल स्टोरी बता रही हूं, क्योंकि एक हॉट वाइफ से मेरी खुद की बात हुई है जिसका हस्बैंड बाई है। काफी लंबे टाइम तक बात चली थी, उसने अपनी फोटोज भी शेयर की थी मुझे, नाम तो नहीं लूंगी मैं ना फोटो आपको दिखाने वाली हूं, लेकिन ये रियल स्टोरी है। और लास्ट इज कंट्रोल फ्री कपल्ड हस्बैंड, ये वो कपल्ड होते हैं जिनकी जो हॉट वाइफ है वो बुल के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड या रिलेशनशिप जी रही होती है, वो अपने हस्बैंड को हाथ भी नहीं लगाने देती अपने, बल्कि बदले में प्लास्टिक की डॉल लाके दे देती है के लिए अपना लुंज पुंज सा डाल के इसके अंदर हिलाता रहे और करता रहे खुद को संतुष्ट। तो इतनी बेइज्जती सहने के बाद वो जो हस्बैंड होता है उसका, क्योंकि वो है कपल्ड मेंटेलिटी का, उसके ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल ही खत्म कर देता है कि ठीक है तू जी ले अपनी जिंदगी, मेरे को तो तूने मेरी औकात दिखाई दी और मैं हूं भी इसी लायक, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाता है। तो ये थे वो 10 तरह के कपल्ड जिनके बारे में मैंने आपको बताया। चूज कर लीजिए अपने वाला फैंटेसी, अपनी वाली मेंटालिटी, अपने वाला कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं या सूट करते हैं, ताकि आपके लिए आगे के डिसीजन, आगे का कार्यक्रम आसान रहे। बाकी आप हॉट वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो अपलोडेड है। बुल के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा लास्ट वीडियो बुल के ऊपर ही था। कपल्ड के बारे में मैंने अभी आपको सारा बता ही दिया है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। लाइफस्टाइल जो है अपने आप में, मैंने कहा है ना कि एक ओशियन है, उससे भी ज्यादा गहरा, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, एक एक करके टॉपिक लाऊंगी आपके लिए, टेंशन ना लीजिए, बस बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।